हेलो, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ अब तक क्लियर है क्या चैट बॉक्स में। ओके, तो और हम लोग थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बिकॉज़ अभी 8 नहीं बजा है, और फिर हम आज के वेबिनार को शुरू करेंगे। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है, और स्क्रीन पे क्या दिख रही है एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी, निफ्टी की चार्ट दिख रही है आपको। तो चलिए, आज के वेबिनार को मैं शुरू करता हूँ, प्राइस एक्शन बेस्ड। तो आप सबसे मेरा पहला एक सवाल है कि इसमें से आप लोग क्या करते हो? ऑप्शन ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, या फिर क्या पोजिशनल ट्रेडर हो? कौन से ट्रेडर हो, किस टाइप में ट्रेडर हो आप? और आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? आप लोग प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, एक एक करके थोड़ा बताइए। एक कह रहे हैं स्विंग प्लीज, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में? आप लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करते हो? प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन और एक खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसको 1 घंटे के वेबिनार में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बट मैं जो कोशिश करूंगा कि एक एक स्ट्रेटजी आपको देकर जाऊं, जिससे आप अगर कल से ही ट्राई करो तो फिर आपके लिए उसमें प्रॉफिटेबल हो सको। ऑप्शन पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सो स्पाइक आता है उसमें, ठीक है। स्पाइक की प्रॉब्लम आती है, वो फिलहाल मेरे साथ भी है। स्पाइक आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर एक दिन एक्सपायरी होती है, और खासकर सेंसेक्स और जो मिड कैप है और बैंकेक्स, उसमें स्पाइक ज्यादा दिखता है। चलिए, आई डू स्टॉक्स ट्रेडिंग इंट्राडे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं बेसिक से बात करता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पहले थोड़ा सा समझेंगे। सबको पता है कि सपोर्ट कहाँ पे होगा। जैसे कभी आपके सामने जो निफ्टी की चार्ट ओपन है, अगर वहां पे देखो तो अगर बार बार आप चार्ट पे देखते हो कि जो कैंडल्स वो एक ही जगह से बार बार आ रहे हैं और वहां से रिवर्स हो जा रहे हैं, या वी टाइप कह लो, तो वहां पे वो सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ, तो आप देखो मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है बार बार। एक हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पे भी सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। रेसिस्टेंस ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसे कलर चेंज कर देते हैं। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये एक सेकेंड, ये हमारा सपोर्ट था, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। अब मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? अगर आप यहाँ पे देखो, एक हमने अगर सपोर्ट ड्रॉ कर रखी है, तो आपको पहले से पता है कि मार्केट जब इस एरिया पे पहुंचेगी तो वहां से मार्केट बुलिश हो सकती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देखो ठीक इसी वजह से अगर 2:45 की देखो कैंडल फ्राइडे 5th जुलाई को, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। और मार्केट फॉल कहाँ पे हुई है? अब इसकी एक मेजर यहाँ पे मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन के। यहाँ पे ट्रैपिंग सबसे ज्यादा होती है। आपको लगता है रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा? जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी रेड में, आप देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कि ये मेरे लिए मेजर रेसिस्टेंस है। मतलब मार्केट जैसे ही अप्रोच करेगी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट क्या एग्जैक्टली उसी जगह से, अगर आप किसी बुक से पढ़ के आ रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि एक यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस लाइन है और यहाँ से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स करेगी। लेकिन क्या एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुई है? क्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है। जब मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बुलिश इंगल्फिंग कह लो या पूरी बुलिश कैंडल। आप इस ग्रीन कैंडल, 15 मिनट से कैंडल लगी हुई है, जब आप इस 15 मिनट से कैंडल को देखते हो, तो आप क्या यहाँ पे ट्रेड बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका है। एंड आप मैक्सिमम देखना, 90% जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं।
और यहाँ पे देखो आप बोलोगे मैं लूंगा जब ये रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट भी देख लो, एक रेड कैंडल बनी और एक इसके हायर साइड पे भी जाके क्लोज हुई है, तो रिटेस्ट भी हुआ यहाँ पे। बट उसके बाद क्या हुआ, थोड़े देर मार्केट यहाँ पे उसको सस्टेन करी, उसके बाद बहुत तेज से फॉल हुआ। अब ये फॉल इतना बड़ा क्या आपका एक्सपेक्टेड था क्या? सोचो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस ही प्लेस नहीं करते हैं, वो माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जब ये फॉल आएगा ना तो मैं कट कर दूंगा। आपको लग रहा है मतलब आप कट तो कर दोगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपका लॉसेस हो जाते हैं। आप सोचते हो मैं 1000 पर लॉट लेके चलूंगा, वहां पे 2500 हो रहा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी कि नहीं, यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं बनाना था, बल्कि यहाँ पे आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अगर अभी यहाँ पे 15 मिनट है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का लगा दू ना, तो आपको क्लियरली शो होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद डबल टॉप बनाकर ये फॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जब भी मार्केट साइडवेज होगी वो काम करती हुई नजर आएगी। अगर मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ, सॉरी ये 3 मिनट की चार्ट लग गए। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी जिसकी मैं बातें कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ से मार्केट फॉल हो रही है मतलब ट्रेंड हो रही है, तो ये वाली जो रेड लाइन थी जो पहले रेसिस्टेंस थी वो अब कैसा काम करेगी, वो सपोर्ट के जैसा काम कर रही है। तो मुझे आप बताओ क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करी क्या? एक ही बार वो फॉल करती हुई नीचे आ गई, तो आपको कैसे पता है कि इस रेड वाली लाइन के पास जो कि अब सपोर्ट में चेंज हो चुकी है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी या नहीं होगी? बल्कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, इसके नीचे वाले जो सपोर्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था वहां से रिवर्स हुई। यहाँ पे हमें नहीं पता चल पाता है कि मार्केट किस सपोर्ट से रिवर्स होने वाली है। आप चाहते हो तो यहाँ पे ही बुलिश ट्रेड, जब आप मार्केट फॉल हो रही थी यहाँ पे देखो एक डोजी बन रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, हो सकता है आप यहीं पे ट्रेड ले लो कि यहाँ के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, बट अगले ही पल आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बार बार होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करते हैं? काम करते हैं, लेकिन वहां पे एक कॉन्सेप्ट और आती है जो इससे भी बढ़ के है, जो प्राइस एक्शन की बेस है, वो है आपका एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, बट आप लोग में से कितने सही से उसे यूज करते हो मुझे नहीं पता। तो मैं आप उसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटजी आप लोग साथ शेयर करूंगा उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो जहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। या तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, या जब भी ट्रेड लेंगे हम ऐसे जगह पे लेंगे जहां पे हमें प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हमें सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ानी है। मार्केट में हर एक स्ट्रेटजी काम करती है। आपको लगता है कि आप स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो, मैं बोल रहा हूँ हर एक स्ट्रेटजी काम करेगी, शर्त यही है कि आप उसे कितने समय तक कर पा रहे हो और कितने सही से कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी ये सब चार्ट पे जो मैंने क्लटर किया था वो मैंने हटा दिया है, और अब मैं आपको बताऊंगा पहले स्टॉक्स पे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंडेक्स में कि कैसे काम करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हर दिन आप देखते होगे कि कोई ना कोई जो स्टॉक होता है वो अपना हाई लगाता है, डे हाई डे लो लगाता है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई तरीका है जैसे आपको पहले ही पता चल जाए कि ये कुछ स्टॉक्स है, 10 स्टॉक्स मैं आपको दे देता हूँ, 5 स्टॉक्स यही आज डे के हाई या लो रहेंगे, कोई बता सकता है? मैं आपको पहले ही बता दूं 11 बजे के आसपास कि 3 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज होगी तो इन्हीं 5 स्टॉक्स में से आज या तो डे लो होगा या फिर डे हाई होगा, अगर मैं ये बता दूं तो, या आप गेस कर पाओ तो 4 घंटे पहले, कोई बता सकता है तो बताओ, चैट बॉक्स में बताइए थोड़ा सा। नो नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इसे गेस कर सकते हो। अभी मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और किस को, कोई और लोग भी थोड़ा रिप्लाई तो दो ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग तक तो मेरी बात पहुंच रही है। नो no. अच्छा कोई तरीका नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो भी स्टॉक्स डे हाई या डे लो बताता है, क्या उसमें कुछ चीजें कॉमन होती होगी कि नहीं होती होगी? कुछ तो कॉमन होता होगा, क्या कॉमन होता होगा? अगर उस कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओपन इज इक्वल टू हाई एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये 100% प्योर नहीं है। पैटर्न देखकर बता सकते हैं, नहीं पैटर्न में तो आप फंस जाओगे फिर। वी नीड टू आइडेंटिफाई इट्स प्रीवियस हाई एंड लो, वेरी गुड, ये आपने सही बोला कि जो भी स्टॉक्स डे का हाई या लो बनाएगा, एक चीज तो जरूर है कि वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा, एक चीज कॉमन निकल के वहां पे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे नोट करेंगे। एग्री करते हो नहीं करते हो? कोई भी स्टॉक अगर हाई और लो बनाएगा तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो उसको ब्रेक करना ही करना है।
हम यहाँ पे नोट करते हैं प्रीवियस डे हाई, आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफी टाइम है। एंड प्रीवियस डे लो शुड बी ब्रोकन, ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और कोई क्राइटेरिया है क्या? और कोई क्राइटेरिया है क्या? कमेंट बॉक्स होते हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप लोग अभी जवाब दे रहे थे ना कि नहीं सर पता ही नहीं कर सकते, आप ही लोग बता रहे हो मुझे कि हाँ ये क्राइटेरिया हो सकती है। मूविंग एवरेज डिले होता है दोस्त, तो थोड़ा लेट पता चलेगा, तो लेट पता चलेगा तो फिर प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। सीपीआर से, सीपीआर से आप सर नैरो सीपीआर की बात कर रहे हो ना मीत जी? नैरो सीपीआर होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से ओपन का 15 मिनट का हाई और लो ब्रेक होना, नहीं ये कॉमन नहीं होता है हर बार। एक चीज कॉमन हो सकती है बट बहुत ज्यादा कॉमन ही होता है। प्रीवियस इज बेटर लेसर द प्रीवियस इज बेटर नो इंडिकेटर यस ओके। हाँ एक आप सीपीआर से भी कर सकते हो। चलिए मैं आप दूसरा चीज लिखता हूँ कि अगर कोई स्टॉक्स प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो वो क्या उसे रिटेल करा रहा है क्या? उसे हम जैसे लोग करा रहे हैं क्या? मतलब हमारे पास क्या इतना पैसे हैं कि हम किसी भी स्टॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सके? वो कौन करा रहा है? FII करा सकते हैं, DII करा सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक अगर मोमेंटम आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? मेरी वजह से तो नहीं आ रही है, रिटेल की वजह से तो नहीं आ रही है। कि सेबी ने एक रूल लाया कि भाई जिसके पास 30 लाख हो वही करेगा, और सारे रिटेल परेशान हो चुके हैं तो उनके पास तो इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी रिटेल में आता हूँ, तो वो क्या करें? दूसरी चीज क्या है कि ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, उस स्टॉक में ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, इतना तो तय है। तो हम सिर्फ उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसमें ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, जहां पे मोमेंटम आ सकता है और हमारी प्रॉफिट बन सकती है। जब तक स्टॉक मूव नहीं करेगा हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? नहीं कमा सकते ना। बिग मनी ऑपरेटर और फ्रेंड ऑपरेटर, अच्छा राहुल जी के फ्रेंड ऑपरेटर हैं, बहुत सही। अच्छा वो बोल रहे हैं कि और फ्रेंड ऑपरेटर ओके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे उसी स्टॉक में एंट्री करेंगे जिसमें ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है? अब कहाँ एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे उसे समझना है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें दिमाग नहीं लगानी है। ये दो रूल को, एक रूल तो आपको याद रखना है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो शुड बी ब्रोकन। तीसरा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक आपकी होती है कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, ठीक है? तीसरा पॉइंट भी अब मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ। ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बेयरिश हो, आप बुलिश ट्रेडर हो या बेयरिश ट्रेडर हो, क्या हो आप बुल हो या बियर हो मार्केट में, आप क्या हो? सभी लोग बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, आप बुल हो या बियर हो? राहुल बोल रहे हैं बियर है। क्यों, मार्केट ऊपर जा रही है आपको अच्छा नहीं लग रहा है? गिरगिट है, गिरगिट क्या होता है अमित जी? दोनों हूँ, बियर है। राज जी बोल रहे हैं बियर है। हेलो डिपेंड ऑन मार्केट ओके। गिरगिट जो रंग बदलता हो, वाह वह सही। देखो जितने लोग भी बुल बियर बोल रहे हैं ना, ये है वो है वो कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट आप बुलिश हो या बेयरिश हो मुझे नहीं पता, आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो मुझे उससे मतलब है, और मार्केट कहाँ जा रही है मुझे उससे ही मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर मार्केट बुलिश है तो ठीक है, वो भारत के लिए सही है क्योंकि वहां पे अर्थव्यवस्था अपना काम कर रही है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और बुलिश हो बेयरिश हो इससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या होना चाहिए, डे एंड में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कि जैसे मैं आपको एक सेकेंड, कहीं तो कंसोलिडेशन हुआ होगा, चलिए यहाँ पे काफी समय तक आप देखो इस पॉइंट पे काफी समय तक मार्केट क्या हुई है, कंसोलिडेट हुई है या नहीं हुई है? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो काफी समय तक जो मार्केट है इसके बीच में कंसोलिडेट हुई है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है कंसोलिडेशन
बताएगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट बेस्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रही है। जनरली बियर्स और बुल्स के बीच में फाइट हो रही है। मैं हूँ एक ट्रेडर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन जीतने वाला है, मैं बस देख रहा हूँ फाइट को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब तक इसमें कोई एक हार नहीं जाएगा या जीतेगा नहीं, मैं जो जीतेगा उसके साथ में हूँ। सिंपल सी बात है। यहाँ पे पिछले 9:30 से लेकर पूरे दिन एक फाइट चली, मतलब पूरे दिन, लास्ट एक दिन आपका बर्बाद हो गया देखते देखते। आपको जबरदस्ती की ट्रेड नहीं बनानी है। और आपने देखा यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखा कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो बेयर है, जो मार्केट फाइट चल रही थी उसमें कौन जीत गया? बुल जीत गया। अब मैं किसके साथ हूँ? बुलिस के साथ हूँ, बुल के साथ हूँ। तो मैं कहाँ ट्रेड लूंगा? बुलिस हो जाऊंगा। जब तक फाइट चल रही थी मैं मार्केट से बाहर था। अब मान लो कोई ऐसा बंदा होगा जो यहाँ पे पुट खरीदेगा, यहाँ पे कॉल खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा। आपको वेट करना होगा फाइट को ओवर होने के लिए। जैसे ही फाइट ओवर होगी और आपको पता लग जाए कि अच्छा बुल्स यहाँ पे विन हो चुके हैं, तो मैं किसके साइड हूँ? बुलिस हो चुका हूँ मैं। तो जो गिरगिट बोले थे वो बहुत सही है कि आपको रंग बदलना होगा यहाँ पे, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। तो दिस दिस मार्केट इज फॉर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है ना? अगर आप फिट नहीं हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। और यहाँ पे एक चीज है, मेरे को तो क्लियर दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो पैटर्न काम भी करते हैं। अगर मैं आपको देखाऊं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ध्यान से मेरे एरो को देखना, ये हो गया आपका कप, ये हो गया हैंडल्स, और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर आपको नॉलेज है एक्स्ट्रा तो आप ये काम कर सकते हो। और यहाँ पे जो चीजें हो रही थी ना, यहाँ पे आपका एक्युमुलेशन हो रहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, क्योंकि मार्केट एक बार फॉल की हुई है और जब वो सपोर्ट के पास काफी समय तक कंसोलिडेट कर रही है तो वहां पे एक्युमुलेशन हो रहा है। मतलब धीरे धीरे वहां पे स्टॉक्स है तो स्टॉक्स को बाय किया जा रहा है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आ रही है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आती है तब आप ट्रेड बनाते हो, तो उसमें काफी प्रॉफिटेबल होने की संभावना रहती है। इसको आप एक्युमुलेशन बोलोगे। वही जब आप रेसिस्टेंस पे अप्रोच करते हो धीरे धीरे, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करी, धीरे धीरे आपने क्या आगे रेसिस्टेंस पे अप्रोच किया और फिर वहां पे एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होगा धीरे धीरे, और फिर मार्केट क्या होगी? फॉल हो जाएगी। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बजाय एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है प्राइस एक्शन को, तो आप इसमें कंबाइन करके उसको और अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है? अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। ये तीन चीजें आपको याद करनी है। दूसरा कि आपको दो कैंडल्स ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो कैसे कैंडल है? पूरी तरीके से बुलिश कैंडल। और एक बेयरिश कैंडल को भी देख लो, ये कैंडल कैसी है? बेयरिश कैंडल। तो आपको वैसे कैंडल को सर्च करना है जो पूरी तरीके से बुलिश हो, जिसमें विक जो है ना बहुत कम हो। तो ये आपको आता होगा बुलिश इंगल्फिंग कह लो या पूरा ग्रीन कैंडल कह लो, बुलिश माराबुजू कह लो, बेयरिश माराबुजू कह दो, नाम कुछ भी होना चाहिए। इस कैंडल को हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं, अब मैं आपको अपनी आज की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए एक स्टॉक देता हूँ, टोरेंट फार्मा, ठीक है? मैं अपने मन से ले लिया, टोरेंट फार्मा। अब पहला रूल क्या था कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए। अभी आप देखो 18 तारीख का यह स्टॉक है, 18 को मान लो आप ट्रेड कर रहे हो इस स्टॉक में, तो आप कब का डे हाई और लो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे? 17 को। तो 17 का डे हाई बताओ कहाँ पे है? यहाँ पर है, डे हाई हो गया और उस दिन इसका डे लो था यहाँ पे। अब आप 18 को मार्केट में आते हो, ठीक है? और जब तक ये जो स्टॉक है टोरेंट फार्मा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तक ये इसके बीच में कहीं भी घूम रहा है उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जो आपको ये स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, ये जनरली क्या होता है, आफ्टर 10:30 11 ही काम करेगी, उसके पहले काम नहीं करेगी, 11 बजे के पहले काम नहीं करेगी। तो आप लोग आराम से मार्केट में 100 के लीड से आ सकते हो। 11 बजे के पास आओ, कुछ मैं इंडिकेटर प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आपको पता रहेगा कि कौन कौन से स्टॉक में ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये देखो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे डे हाई ब्रेक हुआ मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब ये जो स्टॉक है वो मूव करने के लिए तैयार है। अब आपके पास आएगा कि सर ये आप कौन सी बड़ी बात बता दी है, यहाँ पे क्या ट्रैपिंग नहीं होगी क्या? तो मैंने ये थोड़ी बोला कि डे हाई जैसे ही ब्रेकआउट हो आपको ट्रेड कर लेनी है, नहीं, आपको वेट करना है। डे हाई के ब्रेक होने के बाद कम से कम, या तो अगर आप अभी नए नए हो मार्केट में तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगा लेना,
अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी समझ में आ जाएगी। अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगाते हो तो कम से कम 4 कैंडल्स ऐसे होने चाहिए, मतलब 1 घंटे की कंसल्टेशन होनी चाहिए। अगर आप 5 मिनट के लगाते हो तो आधा घंटे से 45 मिनट की कंसल्टेशन होनी चाहिए। ट्रैपिंग कैसे होती है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रैपिंग होना होता ना, तो इसके बाद स्टॉक जो होना वो फॉल हो जाना चाहिए नीचे, लेकिन ये फॉल नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे पता है यहाँ पे कंसोलिडेट होना है? तो इसका जो मैं स्ट्रेटजी का नाम ही दिया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस डे हाई कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। तो प्रीवियस डे जैसे ही ब्रेक हुआ ना, बहुत सारे लोग यहीं पे आपका एंट्री बना लेंगे और हो सकता है कि वो फंस जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। उसके बाद हमें वेट करना है कम से कम 5 मिनट की, 6 7 8 कैंडल, 15 मिनट की 4 कैंडल, वो कंसोलिडेशन होना चाहिए। एंड इसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है ना? डे हाई के बाद भी हमें जो इसके बाद जो हाई और लो बना रहा है, कम से कम उसमें ग्रीन रेड कैंडल तो होगी, उसे हमें मार्क कर लेनी है। हमने यहाँ पे मार्क कर ली, इसको कलर में चेंज कर लेता हूँ। इसे मैंने मान लीजिए ब्लू कर दिया, और इसका लो भी क्या है, ये रेड आपका लो है, ठीक है, इसे भी मैंने मार्क कर लिया। अब इस ब्लू लाइन की जब हमारी ब्रेकआउट आएगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि आपको एक ऐसा कैंडल्स चाहिए जो पूरी तरीके से बुलिश नजर आए, जिसमें विक कम हो, ये छोटा छोटा विक चलेगा। अब आपको ऐसा कैंडल्स दिख जाए ब्रेकआउट पे तो आपको ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे देखो पूरी बुलिश कैंडल दिख रही है, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। मैं आपको एंट्री बना के दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजिशन पे गए, आपकी यहाँ पे ग्रीन लाइन पे एंट्री होगी। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस जो आपने कंसोलिडेशन ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखा है उसके नीचे होगा। और आपका पहला टारगेट क्या होगा? अगर आप मान लो कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 लेकर चलोगे। क्वांटिटी अगर ज्यादा रख रहे हो तो पहले 1:1 पे हाफ बुक कर लेना, फिर आप 1:2 पे पूरी निकाल देना, वो थोड़ा थोड़ा निकालते जाना, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी। अभी मैं देखो 1:1 हमें यहाँ पे मिला है या नहीं मिला है। अभी हमें अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ तो 1:1.4 का ट्रेड हमारा यहाँ पे बना हुआ है। टोरेंट फार्मा में 1.33% की प्रॉफिट यहाँ पे मिली हुई है। अब मान लो कि चलो 1:1 पे आपने क्या किया कि आधा बुक कर लिया और आधे क्वांटिटी को आपने होल्ड कर रखा है, कि हो सकता है कि इसमें क्या होता है, कभी कभी जो ट्रेड होती है ना, मोस्टली 1:2 मिल जाती है, 1:4 भी मिलती है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पेशेंस है उस ट्रेड को होल्ड करने के, बिकॉज जब हम प्रॉफिट में होते हैं ना तो उसे होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट हमसे होल्ड नहीं होती है, लॉस हमसे होल्ड हो जाती है। तो हमें क्या करनी है, अगर हमें मान लो कि 1:1 मिल चुका है, तो जो हमारा एसएल है ना उसे उठाकर हमें यहाँ पे ला देना है। तो क्या होगा, जो सेकेंड हाफ होगा वहां पे आपकी जो लॉस है वो खत्म हो गई, अब आपको जो भी होगा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, ठीक है? सबको क्लियर है स्ट्रेटजी, सिंपल सी प्राइस एक्शन, या किसी को कोई डाउट है? सेकेंड चीज की अगर आपको पता होगा कि मार्केट जो थी लास्ट टाइम बेयरिश थी, तो पहले आपको निफ्टी की ट्रेंड को देख लेना है। कुछ सबको क्लियर लग रहा है? अमित अमित जी बोल रहे हैं कि यस सबको क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर मैं अभी एक बात और बता रहा था कि मान लो कि आज जो निफ्टी की ट्रेंड है वो ग्रीन में है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, तो आप कौन से स्टॉक में काम करोगे? बुलिश स्टॉक में काम करोगे। अगर आज की ट्रेंड बेयरिश है तो बेयरिश में काम करोगे। आप चाहो तो इस रूल को ब्रेक कर सकते हो, बट ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट बुलिश होती है तो स्टॉक्स भी वैसे में उसी में ट्रेड करो जो बुलिश शो हो रहे हैं, रिवर्सल जाने की जरूरत नहीं है, तो हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब सर एग्जाम्पल मैं दूं कुछ और स्टॉक, फार्मा हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए खुद से। कौन स्टॉक चलेगा? फार्मा सा? फार्मा हाँ बिल्कुल बोल, बताइए ना। ठीक है सिप्ला करो। सिप्ला, अब ये जो लाइंस है ना ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गए, ये धन का प्लेटफॉर्म है, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, तो बार बार मुझे ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी खुद से। तो ये आपकी डे हाई है और ये डे लो है, ठीक है? अभी आप रिसेंट समय में देख लो, जैसे कि मान लीजिए इसमें इन्होंने डे लो पे ब्रेक किया, तो आप ट्रेड बनाओगे क्या, मुझे बताओ? यहाँ पे ट्रेड आपका बनता या नहीं बनता? नहीं बनता नहीं बनता, तो आप ट्रेड में फंसते नहीं। बट जो लोग इस स्ट्रेटजी को नहीं जानते, जो प्राइस एक्शन को नहीं समझते, ये क्लियर क्लियर यहाँ पे ब्रेकडाउन शो हो रहा है डे लो का। यहाँ पे ट्रेड वो लोग बनाते और अगले पल स्टॉप लॉस हिट होता, फिर से ये डे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपका ट्रेड बनता क्या? नहीं बनता। बनता, नहीं बनता, बिकॉज आपको क्या, इसके बाद भी तो मार्क करनी है दोस्त, इसका जो लो है उसे भी आप मार्क करोगे, और फिर इसका जो हाई है वो भी मार्क करोगे। अब जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड आप ट्रेड लेते हैं। ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? 3:15 पे। आपके पास टाइम ही नहीं बचा इंट्राडे खेलने के लिए, 3 बजे के बाद क्या खेलोगे? तो इसमें नहीं बनता एंट्री।
समझ रहे हो, यहाँ पे आपको ट्रेड बन ही नहीं रही है। अभी आप लो मार्क किए ना, वो कैसा पता चलेगा लाइव में कि वही लो है और एक कैंडल नीचे फॉर्म हो गया तो? नहीं, मैं क्या बोला कि उसके बाद कम से कम 4 या 8 कैंडल, 8 कैंडल 5 मिनट की बननी चाहिए, तो उसमें ग्रीन भी तो बनेगी ना। तो जब यहाँ पे रेड बना, अगले पल ग्रीन बन गया, तो ये लो हो गया, उस समय के लिए तो लो हो गया। फिर जब ओके वो ओके, रेड बनता तो फिर मैं नीचे लेके आता। तो अभी चार देखो, आठ हाँ, कैंडल वेट करना पड़ेगा। वो आप पहले बार में समझना, यहाँ पे यही तो गेम है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन चाहिए मुझे, तो ही ओके मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा मैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको कैसे पता कि यहाँ से ये फिर अगला जो आपका सपोर्ट है वो ब्रेक होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब मार्केट तैयार हो रही है, या तो यहाँ से बहुत तेज से फॉल होगी या फिर रिवर्स हो जाएगी, और मैं दोनों केस के लिए तैयार हूँ, जहां पे मुझे इंडिकेटर मिले। और यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा भी समझ हो, डबल टॉप डबल बॉटम को कॉमन सेंस, तो आप इसमें आसानी से ट्रेड बना सकते हो। कप एंड हैंडल हो गया, ओके, तो ये आपके स्टॉक हुई। आप लोग खुद से भी स्टॉक दे सकते हो, मैं खुद से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे पता कि 11 बजे किस स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा है, किस स्टॉक में डे हाई ब्रेक हो सकता है। आपको देखो, इंट्राडे का, ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ओपन कर दिए और चले गए कहीं और पे। आपको टाइम देना होगा, 2-3 घंटे आपको बैठना होगा, चार्ट को देखना होगा, 4-5 स्टॉक्स एनालिसिस करनी होगी उसी टाइम पे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रोकन में कुछ स्टॉक्स मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। उसमें से मैं देखता हूँ ये स्टॉक्स जो है ना, आपको 9:30 से आने शुरू हो जाएंगे। आपको 9:30 में नहीं आनी मार्केट में, आपको आनी है 10, 10:30, 11 बजे आओ, आराम आराम से 11 बजे देखो। शुरू में जो भी लिस्ट है स्टॉक्स का उसको देखो। मान लो जैसे कि मैंने ONGC को देख लेता हूँ, कोई भी इसमें से स्टॉक्स उठा सकते हो ONGC, जरूरी नहीं कि उसमें वो क्राइटेरिया मिलता होगा, बट चांसेस ज्यादा है ONGC। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी निफ्टी में ही ट्रेड करो और 10 स्टॉक्स खुद से ही सिलेक्ट कर लो, 5 स्टॉक्स सेलेक्ट कर लो, 2 स्टॉक सेलेक्ट करो, एक रिलायंस कर लो, क्योंकि निफ्टी ट्रेंडिंग हुई तो रिलायंस भी ट्रेंडिंग होगी, सॉरी रिलायंस ट्रेडिंग होगी तो निफ्टी भी ट्रेंडिंग होगी। बार बार रिलायंस में ही ट्रेड करो। मैं जब शुरू में मार्केट में आया था तो मैं सिर्फ रिलायंस में ट्रेंड करता था, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें कहानी क्या है ना, कि डे हाई और डे लो के अगर गैप ज्यादा है तो वैसे भी वो साइडवेज होने वाली है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक यहाँ पे आया ही नहीं है। तो आप देख रहे हो 10:50 तक कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सीधे मार्केट क्लोज होने के टाइम पे भी इसमें ट्रेड बना ही नहीं, तो आप इसको छोड़ दोगे। बट ये ट्रेड में तभी आएगा जब डे लो ब्रेक होगा, मतलब 11 बजे के बाद इसका नाम आ गया होगा, फिर आपको वेट करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो लास्ट, ये जो मैं आपको एक सेकेंड, ये जो मैं आपको दूंगा वो तो लास्ट डे में जो स्टॉक्स के नाम आए हुए उस पर मैं दे रहा हूँ। जैसे टोरेंट फार्मा का मैंने एग्जाम्पल दिया तो इसी में से दिया था मैं। अब अगर लास्ट में अगर कुछ मिला ही नहीं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे देख सकते हो ITC का नाम आया हुआ है, तो हम लोग ITC को एक बार देख लेते हैं। अभी देखो ITC का कहानी क्या है, ये ओपन ही होता है डे हाई के ऊपर, ठीक है। तो ये पहली क्राइटेरिया तो ओपनिंग के साथ ही हमारी मैच हो चुकी है, और उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको एक कंसोलिडेशन खोजनी थी। आप देखो कितने कैंडल कंसोलिडेशन यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लगभग 1 घंटे में ITC कंसोलिडेट हुआ। आप क्या करोगे, इसका हाई और लो मार्क करोगे। इस कंसोलिडेशन का हाई कैसे मार्क करोगे, बिकॉज सबसे जो रेड यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, वो ये वाला पॉइंट मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये अच्छा अच्छा केस स्टडी हो सकता है। एक सेकेंड, ये मैंने मार्क कर लिया और इसका जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया इसे, लेकिन क्या आप यहाँ पे ट्रेड बना दोगे, जस्ट इस डोजी को देखो, क्योंकि इसमें वीक बहुत बड़ा है, इसमें ट्रेड नहीं बना सकते हो आप। जब तक मुझे एक अच्छी कैंडल चाहिए, इसके अगली वाली कैंडल थोड़ी अच्छी है बट उतनी बेहतर नहीं हो सकती है। तो अगर आपको डाउट है तो छोड़ दोगे, अगर ना तो यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ट्रेड बना दिया, सपोज करो कि आपने बना दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉन्ग पोजिशंस, यहाँ पे हमारी एंट्री। अब इसे समझो, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे डालोगे। आप स्टॉप लॉस चाहो तो बहुत सेफली यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। आप चाहो, अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पे भी डाल सकते हो इस रेड कैंडल के नीचे, और उसके बाद अपना RR रेशियो देख लो कि क्या आपको 1:1 मिला या नहीं मिला। तो आप देखोगे कि 1:1 तो मिल गया, यहाँ पे 1:1.26 मिल चुका है, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला।
सो मोस्टली 1:1 पे तो लॉक कर सकते हैं ना। 1:1 पे आप लॉक कर सकते हो। मान लो आपके पास 10 ही क्वांटिटी हुआ तो क्या करोगे, उसमें क्या ही ट्रेल करोगे। मतलब लेकिन 100 हुआ तो आप 50-50 कर सकते हो। जब मुझे 1:1 मिल गया तो मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पे ले आ दूंगा। अब अगर मेरा एसएल जाता भी है तो मुझे लॉस नहीं होगा उसमें, बाकी क्वांटिटी पे प्रॉफिटेबल ही हूं ना। बट अगर यहाँ पे कई ऐसे दिन मैं दिखा सकता हूँ जहां पे आपको 1:4 मिला हुआ है, जिस दिन मार्केट ट्रेंड होगी उस दिन तो आपको मजा आने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। 1:1 पे निकलना चाहते हो बिल्कुल निकल जाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, सबको ठीक है। क्लियर है ना कि कैसे बुलिश, अगर मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश साइड ट्रेड करेंगे, बेयरिश है तो बेयरिश साइड करेंगे। लास्ट डे पे मार्केट क्या थी, बेयरिश थी। आईटीसी क्या था, बुलिश था। क्यों था, क्योंकि एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी मार्केट बेयरिश होगी जितने भी एफएमसीजी सेक्टर है वो बुलिश हो जाएंगे उस दिन। कोरोना में सारे सेक्टर ने फॉल किया एफएमसीजी को छोड़ के, तो ये आईटीसी हो गई, ब्रिटानिया हो गई, ये बुलिश नजर आएंगे उस दिन, बिकॉज इसका कुछ उस पर प्रेशर नहीं पड़ता। क्योंकि खाना, एफएमसीजी सेक्टर क्या है, खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड है। मार्केट कुछ भी कहीं भी चली जाए आपको भूख तो लगेगी, ऐसे इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली है। सर अगर इस अभी तो अभी ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं ना, आईटीसी पे। आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, तो ऑप्शन रिस्की होंगे, तो अपने रिस्क को हैंडल कर सकते हो तो कर सकते हो, बिकॉज सिंपल है ना, आप चार्ट को ही देख के ऑप्शन भी ट्रेड करोगे तो तब ऐसे भी आप महंगा ऑप्शन। पड़ जाएगा ना अभी से भी, नया रूल से ऑप्शंस। और उसने भी लागू कहाँ किया, उसको वेट तो करो, उसे नोटिफिकेशन तो लाने दो, फिर हम ओके देखेंगे उस पर बातें करेंगे। अभी तो बातें ही चल रही है कि हाँ ये कर देंगे, 30% टैक्स लाएंगे, या लेंगे वो लाएंगे, उसको लाने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हमारे पास ऑप्शन है, बिकॉज हम सिर्फ देख ही सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। मैं अब मैं आपको सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में शो करके दिखाता हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ आप जी कुछ बोलिए। भी जैसे आईटीसी ले लिया ना, तो 1 वीक आगे मतलब पीछे चल के देखिए ना, स्ट्रेटेजी कैसा काम कर रहा है। जैसे ठीक आज है, क्या हो मुझे गया, आज आज 19 तारीख हो बिल्कुल गया ना, बिल, तो आप दस बिल्कुल तारीख सही ले बोल रहे हैं, लीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट आईटीसी में चूंकि मूवमेंट आती नहीं इंट्राडे में, तो फिर भी देख देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके तो फिर प्रीवियस आप डे पे चले टोकन जाते हैं। सर्जी आप ग्रासिम ले लीजिए या फिर नहीं, सिप्रा आप ले आईटीसी लीजिए। ही देखो, सामने दिख रहा है मेरे को तो दिखा दे रहा हूँ। लास्ट प्रीवियस डे पे चलो। ये आपका प्रीवियस डे हाई है, ठीक है ना, ब्लू लाइन। आप क्या करोगे, कंसोलिडेशन खोज रहे हैं आपको। इसके ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, आपने क्या किया, इसका हाई मार्क कर दिया। ये आपका ब्लू लाइन ही लो है इसका, सिंपल सी बात है, लो मार्क कर दिया। अब ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट आपका कहाँ पे आया, इस ग्रीन कैंडल पे बुलिश कैंडल है। आप 12:05 पे ट्रेड में एंट्री करोगे, ठीक है। लॉन्ग पोजिशन जाओगे, आपका जो एसएल होगा कहाँ पे होगा, इसके नीचे होगा। और आपको जो आरआर रेशियो चाहिए वो 1:1 कम से कम चाहिए। मार्केट क्लोज होते होते ये कहाँ तक गया था, ये गया था आपका 1:1.07 पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल चुका है। ठीक मान लो कि, मान लो कोई बंदा आया, उसको इतना दिमाग नहीं लगाना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए 10 स्टॉक, मैं सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करूंगा। सपोज करो जो भी हाई वोलेटाइल ट्रेड हो, जो स्टॉक्स हो जो बार बार मूवमेंट काफी तेजी से करता हो, उस स्टॉक को चूज कीजिए। और वो निफ्टी के स्टॉक्स होने चाहिए। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, मैं आया रिलायंस में ही ट्रेड करूंगा, डेली मैं रिलायंस में ही यही चीज करूंगा, तो क्या हो सकता है मेरे साथ। देखो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और समझाऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो कुछ जानकारी आप मेरे से और ज्यादा निकाल सकते हो। जब मार्केट डे लो को ब्रेक कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें सिर्फ उस स्टॉक में बेयरिश ट्रेड ही बनानी है, उस स्टॉक में हम बुलिश भी जा सकते हैं। हमें सिर्फ क्राइटेरिया देखना है कि डे हाई डे लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि अब देखो यहाँ पे डे लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी कैंडल्स कंसोलिडेशन हुई नहीं है, सिर्फ 4 कैंडल्स की हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हो 9:40 पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 11 बजे के आसपास आकर ट्रेड करना तो ज्यादा बेहतर होगा। शुरू के आधे घंटे मार्केट को सेटल होने देना है, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन। हम क्या करेंगे, सिंपल क्या है, इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। अब जिस साइड भी ट्रेड ये ब्रेकआउट देगा, हम उसमें एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डब्लू पैटर्न बना ना, डबल बॉटम पैटर्न बना, और आपका जो स्ट्रेटजी बोलता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ रिवर्सल आ चुका है। आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे एंट्री करोगे। आपके मन में एक यहाँ पे कंफ्यूजन आने वाला है, मुझे पता है। लॉन्ग पोजिशन जाओगे, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी।
बट आपको यह भी पता है कि यहाँ पे प्रीवियस डे लो का जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ये देखो कि क्या ये ब्रेक हो रहा है क्या। यहाँ पे ब्रेक तो हुआ, फिर एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट हुआ, तब आपकी एंट्री हो सकती है। अदरवाइज सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो, क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा ना। तो 10 में से 2-3 स्टॉप लॉस ही चले गए तो क्या फर्क पड़ गया। अब आप देखो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, आपका एसएल थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। क्या आप एसएल इतना बड़ा यूज करोगे, क्या इतना बड़ा यूज करोगे, तो देख लो 15 पॉइंट का एसएल है, कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। या फिर आप अगर एग्रेसिव प्लेयर हो तो 1 सेकेंड एसएल को छोड़ा छोटा कर दो। अरे यार ये बार बार यही आ जा रहा है, एसएल को यहाँ 1 सेकेंड, आपकी एंट्री यहाँ पे एसएल आपका यहाँ पे रहा। अब आप देखो कितना यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो, ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे टारगेट है अगर आप ट्रेलिंग लगाते तो। और मार्केट यहाँ पे क्लोज भी हो गई, अगर क्लोज तक भी रखते तो आसानी से 1:7 बन जाता। तो आपको यहाँ पे रिवर्सल भी, जब भी स्टॉक्स में रिवर्सल होगा तो भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको इस दिन ट्रेड मिल गया रिलायंस में। फिर अगले दिन आते हैं, अगले दिन देखो यहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब आप देखो कितनी कैंडल्स आपको चाहिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे इसका हाई लो पार यहाँ पे चल ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हो ब्रेकआउट आया हुआ है, इस कैंडल को हम ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, इस कैंडल को मान सकते हैं ना 13:15 की कैंडल को। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। मैं आपको आज प्रीमियम स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते कहीं पे जाके, शॉर्ट पोजिशन करोगे सिंपल। यहाँ पे आपने क्या करा, शॉर्ट पोजिशन करा, आपका एसएल कहाँ पे होगा, आप किसी किसी को मन हो यहाँ पे एसएल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 13 पॉइंट का, अगर आपको छोटा एसएल चाहिए तो यहाँ पे रखो। अब देखो यहाँ पे कि मार्केट जब तक क्लोज होती तब तक ये कितने पॉइंट आपको मिल रहा है, या 3 बजे तक ही आपने कर दिया। लीजिए भाई 1:5 का रिवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है बताइए। तो मैं नहीं बोलता कि आप 1:5 रुको, आप 1:3 भी बना रहे हो तो बहुत है कि नहीं। अगर मान लो कि आपने एसएल यहाँ पे डाला तो आपका आरआर रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब भी आप देख लो 1:2 का रिवार्ड तो मिल ही रहा है ना मुझे, 3 बजे तक वेट करते तो यहां तक मिलता। तो सबको क्लियर है, एक रिलायंस में ही मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो रिलायंस, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ 1 सेकंड। यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, ट्रेड यहाँ पे बना, बना क्या, बना कि नहीं बना बताइए मुझे, कोई मुझे बताओ भाई इस वाले कैंडल पे ट्रेड बना कि नहीं बना, डे हाई ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड बना कि नहीं बना। अरे बताओ सो गए क्या, हाँ भाई बना है, बना किधर बना, बुलिश या बेरिश, बेरिश फिर वापस बेरिश आया स्टेट था। बना, बिल्कुल बना 100%। राहुल कैसे बोल रहे हो नहीं बना, देखो यहाँ पे जैसे ही डे हाई ब्रेकआउट हुआ वी आर इन दैट जोन कि हमें ट्रेड बनानी है। आप क्या करोगे, डे हाई मार्क करोगे, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बुलिश कंसोलिडेशन हो रहे दो ना, 4, 5, 8 कैंडल को वेट कर लो, जिन 3 कैंडल की कंसोलिडेशन नहीं होती है, 15 मिनट की 4 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, 45 मिनट की तो कंसोलिडेशन होनी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे मार्क, अरे यार 1 सेकेंड, यहाँ पे मार्क कर लिया, इसका जो लो था आफ्टर कंसोलिडेशन ये था। और देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या बना, डबल टॉप का कंफर्मेशन ब्रेकडाउन, एंड अब आपको लग रहा है कि आरआर रेशियो लगाने की जरूरत है, यहाँ से 3190 से लेकर ये जो फॉल हुआ वो 3151 का हुआ, आपका एसएल जाएगा 3211, नहीं 4, 6.8 कैंडल कंडीशन नहीं है। अरे मैं वो कहने के लिए बोल रहा हूँ, देखो काउंट करो आप कैंडल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपको कैंडल 12 कैंडल बन चुकी है दोस्त, आप बोल रहे हो 4 कैंडल ही बनी हुई है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड बना आपका। वही तो बोल रहा हूँ कि चार्ट की नॉलेज आपको अच्छी रहेगी तो आप और बेहतर इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं फिर बिल्कुल निफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, मैं उसमें भी दिखाने वाला था, अभी एक ने कहा ना कि आप एक ही स्टॉक में बार बार दिखाई है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम ओके कर ओके रही है। अभी देखो यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ,
कंसोलिडेशन कहाँ पे है? कंसोलिडेशन इसमें नहीं है, ये लगातार फॉल होता चला जा रहा है, तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना? लगातार फॉल होगा तो नहीं लोगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल का बनी हुई है, आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो छोड़ दो, नहीं हुआ कंसोलिडेशन छोड़ दो इसे। फिर यहाँ मिनिमम पे कितना रहना कंसोल, है कैंडल, मिनिमम देखो कैंडल? अगर आप बिगिनर्स हो तो मिनिमम 6 to 8 रखना, 5 मिनट की, 15 मिनट की 4 रखना कम से कम। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप बहुत कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्राइस सेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब एक पार्ट दिखा रहा हूँ प्राइस सेक्शन के, पूरा टोटल प्राइस सेक्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ट्रेड बना क्या, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, बट ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस चला भी जाए, नहीं नहीं जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल आपका ब्रेकआउट कैंडल हो गया, हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है शायद, देखते हैं। लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे एंट्री होगी, एसएल आपका यहाँ पे रहेगा 1:1, हम कम से कम मिनिमम रखेंगे, जो कि नहीं बना, बट हमारा ना एसएल गया बट लॉस में ही हमारी एग्जिट हुई है, मतलब बहुत कम 3 से 4 पॉइंट की लॉस हुआ है यहाँ पे, पहला ट्रेड हमें मिला जो लॉस था। ये देखो शानदार ट्रेड बनेगा आपका, प्रीवियस डे हाई ब्रेक, मैं सिर्फ मैं रिलायंस में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करोगे, हाई मार्क करोगे, लो चुकी यही पे है, यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट आया, क्लियर दिख रहा है ना इस ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है? बट यहाँ पे जब इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आती है ना, तो थोड़ा आप सतर्क हो जाना, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आना मतलब कि ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो आप छोड़ सकते हो। बट लेट सी यहाँ पे आया हुआ है, हम लोग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करते हैं। आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, एंड सेकेंड थिंग इज कि 500 कैंडल को क्लोज होने देना, ये नहीं कि ये क्लोज नहीं हुआ हम एंट्री बना दें और बाद में वो पूरे क्लोज नीचे हो जाए, ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपकी एसएल अब यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी बड़ी एसएल रखने के लिए आपके पास नहीं है। अगर आपका आर आर रेशियो ठीक नहीं है तो आप ट्रेड नहीं बनाओगे, तो आप एसएल कहाँ रखोगे, जस्ट इसके नीचे। और देखो आपको 1:1 मिल रहा है कि नहीं, तो वो मिल चुका है, 1:3.8 मिल चुका है। अच्छा एक सेकेंड, ये तो मार्केट इस दिन क्लोज हो गई थी ना, नेक्स्ट डे में चला गया, कोई बात नहीं, इस दिन ट्रेड नहीं बना था। तो ऐसे आप इस पूरे स्ट्रेटजी को समझे कि नहीं समझे, जो मैं समझाना चाह रहा था ये बताओ, पहले चैट बॉक्स हाँ में सर बताओ, समझे। नहीं बाकी लोग भी मैं पूछ लेता हूँ कि वो लोग क्या, आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला आज फ्री में, वो मुझे बताओ, कौन ऐसे चीजें फ्री में सिखाता है? ठीक है, सब कुछ क्लियर है। मैं हम लोग ना एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना कि आप लोग बोलो कि सर आपसे स्टॉक सीखा कर चले गए, नहीं सिखाऊंगा तो मैं पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में सिखा रहा हूँ तो कुछ भी सिखा दूँ, नहीं ऐसा रहता तो फिर मैं यूट्यूब पे इतना अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ फ्री में, आप लोग लेते ही नहीं हो। देखो निफ्टी को देखो, निफ्टी क्या थी लास्ट टाइम, मार्केट ओपन हुई डे हाई से ही ब्रेक डाउन मतलब करते हुए नीचे आ गई, बट हमारा ट्रेड बना ही नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, स्विंग ब्रेक पे भी बताना नेक्स्ट, अच्छा बिल्कुल हाँ जी, तो उसके लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए डे हाई जो है ना ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो क्या हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे तुरंत डे हाई ब्रेक होते ही? नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कहाँ पे हमारा जो कंसोलिडेशन हो। देखो निफ्टी में थोड़ा कैंडल्स, 8-10 कैंडल्स मत काउंट करना, 6-7 रहेगा तो भी चलेगा। अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो ही गया, आपने क्या किया यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बना, 5 मिनट की कैंडल है, ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, बट इसे ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे ना, मान सकते हो तो देख लो, एक हल्की सी ऊपर क्लोजिंग हो रही है, अच्छी मुझे फील नहीं आ रही थी उस समय, ठीक है? बट अगर आप मान लो ट्रेड बना दे तो जबरदस्ती का, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो हो ही गया ना कि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है, कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो आपने ट्रेड यहाँ पे बना दिया, तो आपका एसएल कम से कम इतना दोगे और मार्केट गई है वहां पे यहाँ तक, ठीक है? कितना मिला, 1:1.5 मिल गया, 80 पॉइंट आपको ये फ्यूचर का शो कर रहा है, मतलब ऑप्शन का शो नहीं कर रहा है, हमारा 56 पॉइंट के एसएल पे 80 पॉइंट का टारगेट है जो कि मिल चुका है, ठीक है? ये आपका निफ्टी है। अभी देखो, अरे यार मैंने उसी को हटा दिया, इंडिकेटर से हटा दिया अपना, सेकेंड मुझे हटाना ड्रॉइंग्स था, हटा इंडिकेटर दिया, क्या लग गया, एक सेकंड एक सेकंड,
चलिए फिर से लग गया। अभी देखिए इस दिन को आप देखते हैं जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग नहीं थी, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट थी, तो मार्केट ने डे हाई को ब्रेक तो कर दिया, हमारी क्राइटेरिया मैच हो गई। अब इसका हाई लो आप मार्क करोगे, हाई हो गया ये आपका, लो हो गया। ट्रेड एक्टिवेट हुआ क्या, कोई बताएगा ट्रेड एक्टिवेट हुआ क्या यहाँ पे? ट्रेड एक्टिवेट हुआ इस दिन, बताइए तो मुझे। नहीं, वहां नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद में नो नहीं हुआ, एक तरीके से देखें ना तो आप देखो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। बट अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आपको पता है कि इतने सारे साइडवेज मार्केट में आप इसे भी ड्रॉ करोगे उस दिन, अगर आपको बचना है तो, नहीं बचना है तो फिर आप एंट्री बनाइए यहाँ पे। यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड रेड कैंडल से हमें मिली है ना यहाँ पे। और अगर आपने एसएलस यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझना होगा, जब आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे ना इसमें एसएलस थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इस रेड कैंडल्स पे, इस पे या इस पे किसी पे भी ट्रेड बनाया आपने, सपोज कर आपने बना दिया, तो आपका एसएल अब कहाँ रखोगे? जस्ट ऊपर रखोगे तो एसएल चला गया, अगर इसके ऊपर रखोगे जो कि लॉजिकल वहां पे रखना है, तो आपका 44 पॉइंट मतलब ऑप्शंस में 22 पॉइंट का एसएल चला जाएगा। अब आपको उस पे रखते तो एसएल नहीं जाता, आपको टारगेट कितना मिला 0.77 का, जो कि कम से कम आपको 1:1 रखना है। तो उस दिन आपको मार्केट क्लोज हो गई और आपको ना टारगेट मिला ना एसएल, बट हम प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, 0.46 का रेशियो बना तो हम प्रॉफिटेबल रहे, बट हमारा टारगेट मिला नहीं उस दिन 1:1। तो थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कल मंडे से जाकर लगे हैं इसमें लाखों रुपए लगाने, प्रैक्टिस कीजिएगा इसका आप लोग पहले, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आर आर रेशियो सही करना है। अभी देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हमारा एसएल भी जाएगा इस समय, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल नहीं जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। मैं आपको निफ्टी में लगातार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। एसएल कम से कम आप लेके रखोगे इसके नीचे, टारगेट आप रखोगे 1:1 का, जो कि मिलेगा नहीं उस दिन, और आपका एसएल जाएगा, ठीक है। शाम होते होते आपका एसएल चला गया यहाँ पे, 21 पॉइंट का लॉस, मतलब 10 पॉइंट का लॉस हो गया निफ्टी में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या सीन चल रही है, यहाँ पे ट्रेड बनेगा क्या बताइए? 12th of July फ्राइडे ट्रेड बनेगा नहीं क्या? बन, जल्दी नहीं बनेगा, नहीं बिकॉज नहीं यहाँ पे बन, आपका मार्केट साइडवेज चली गई ब्रेकआउट देने के बाद। जिस दिन बहुत तेज से फॉल होगा ना उस दिन ट्रेड बनेगा। इस दिन डे लो ब्रेक होता है, कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो रहा है, ट्रेड बनाते तो आपका ना एसएल मिलता ना टारगेट मिलता, आखिर क्लोज मार्केट यहाँ पे हो जाती। सेलिंग में तो ज्यादा फायदा होगा इससे। सेलिंग में फायदा होगा, बाइंग में तो पूरा डिके होगा ना फिर आपका, बाइंग करोगे तो फिर उतना मजा नहीं आएगा, सेलिंग करनी होगी आपको। देखिए यहाँ पे ट्रेड बन रहा है क्या बताइए तो, डे हाई के ऊपर ही ओपन हो रहा है, जो ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है, एक अच्छी कैंडल्स मुझे चाहिए, अच्छी कैंडल्स मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। बट यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड बना दिया, देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड बना हुआ है, ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो आप देख लो। देखो आप कहीं भी जब आपको प्रॉफिट होना होगा ना, ये चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ, प्रॉफिट दोनों जगह आपको मिलेगी, एसएल जाएगा नहीं। एसएल कहाँ पर रखोगे? जो रिसेंट स्विंग था वहां पे हमारा एसएल होगा, अगर आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पे तो एसएल रखोगे नहीं इतना बड़ा, तो लेटेस्ट स्विंग के नीचे डाल देंगे हम, और आप देखो यहाँ पे कितना आपको एंड तक मिलता है, तो 1:1.4 का, 32 पॉइंट का आपका टारगेट है, सॉरी 44 पॉइंट का टारगेट है 31 पॉइंट के एसएल के लिए, तो सही है हमारा, है कि नहीं? अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी यूज करो इसके साथ, पाइवट पॉइंट यूज करो, नेक्स्ट डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, बहुत सारी चीजें हैं, प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स इसके साथ मैच करो, आप देखो ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है नहीं कर रही है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी में आपको आज ऐसे ही बैंक निफ्टी में काम करना है, तो हर एक की जी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी चेक करो करिए ना। देखिए स्ट्राइक प्राइस का चार्ट चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका अलग चलता है, उसमें कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, वो डिके होता रहेगा, उसमें क्या आप प्राइस एक्शन खोजोगे? ठीक तो आप सिर्फ स्पॉट प्राइस को ही देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज की जो मैं आपको सिखाना चाहता था, कोई आपको डाउट है तो बताइए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, सेम स्ट्रैटेजी आप अगर मेरी साइट पे जाते हो deepasset.in पे करके, अब मैं थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट कर लेता हूँ दोस्त, इतना मेहनत कर रहा हूँ,
बनता है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, जैसे मैं आपको फिर से ओपन करके सिखा देता हूँ, और उस कम्युनिटी ग्रुप में आप जुड़े रहना कि जब अगली बार मैं वेबिनार करूँ तो आपको पता चले। deepasset.in सर्च करना। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डीप एसेट, जो हमारा नाम भी है चैनल का, .in। फिर ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ फिलहाल दो चीजें दिख रही है, एक्सपायरी डे बूट कैंप एंड लर्न द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। 11.99 है इसका, बट आप सभी के लिए, अगर आप फर्स्ट 50, याद रखना FIRST 50, फर्स्ट 50 यूज करोगे तो 599 में ये आपको मिलेगी। इसे आप ओपन करना और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने आज की स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करी वो थी PDHP एंड PDLV थियरी। जो स्क्रीनर था वो भी यहाँ पे है। इसके बाद और भी बहुत कंटेंट आपको यहाँ पे 599 में, एक पिज्जा के प्राइस आपको मिलने वाली है। ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, सीपीआर की पूरी स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। सीपीआर पाइवट, आप दोनों को कंबाइन करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है। रेलवे ट्रैक पैटर्न थियरी, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स एंड इंडाइसेस ऑन सीपीआर, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, बोनस कंटेंट दे रहा हूँ। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की है, इसको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, फिर भी मैं चिपका दिया हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची एंड बोनस कंटेंट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो 599 में आपको ये मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। दूसरा एक्सपायरी डे बूट कैंप है, इसके लिए कोड आप यूज करना फ्लैट 500, तो 1999 में हो जाएगा। ये सिर्फ डिफरेंट एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी पे आपको मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपायरी डे, बटरफ्लाई, बैटमैन एक्सपायरी डे, बोनस एक्सपायरी डे सेटअप, वीवे पारेसाई, आयरन प्लेटू, ट्रू एक्सपायरी डे ऑन एल्बो स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी। जो मैंने लास्ट जूम वेबिनार वेबिनार नहीं था, वो मेंटरशिप था, उस पर मैंने करी थी। तो डे फर्स्ट डे सेकेंड PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, सर देख वो लेना एल्गो के बारे deepasset.in में पे जाकर। एल्गो के बारे में बता सकते हैं, मतलब कितना एक्यूरेसी है, कैसा है हाँ एक? बिल्कुल। इसमें देखिए, ये मेनली एल्गो पे मैं काम कर रहा हूँ, बट वो मेरे को अब मैं एक स्ट्रैटेजी लागू पता नहीं ना सेल कर पाऊंगा, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बट यहाँ पे चूंकि दो ऐसे स्ट्रैटेजी, एक बैंक निफ्टी की ऑप्शन की है जो कि एक्सपायरी डे है, उसका जो आपका रिजल्ट है मोर देन 90% है। अगर आप बात करोगे रिटर्न की, तो अगर आप हेजेस बाय करते हो, जैसे कि 1,20,000 में 2-2 रुपए का प्रीमियम बाय कर लोगे, तो 2-2 लॉट कर पाओगे, नहीं तो 1 लॉट कर पाओगे 80-90,000 में। तो आपका जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट रेंज है, वो कम है, बट 90% आपका रिजल्ट है। अगर आप सर हेजेस ओके बाय करते हो तो 24% का रिटर्न आपको मिलेगा ईयर में, मिला हुआ है। ओके अब आगे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। क्या ईयरली बता रहे हैं आप हाँ ट्वेंटी फोर ईयरली बता परसेंट रहा हूँ, 24%। अगर हेजेस ओके के साथ करोगे, बिना हेजेस के करोगे, तो फिर म्यूचुअल फंड के रिटर्न मिल जाएगा 12%, खुश रहना। ठीक है, तो और किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। और हाँ, अगस्त माह में भी मेरा एक मेंटरशिप आएगा एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, जो कि यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। इस स्ट्रेटेजी में किसी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए ना, तो रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं कल deepasset.in पे आना, इधर कहीं एक और मैं सेक्शन बना दूंगा फ्री वेबिनार करके, वहां से जाकर फ्री में इसे देख सकते हो जब मन करे। वो आज नहीं है, 24 घंटे का टाइम दीजिए थोड़ा, ताकि मैं वर्क करके वो सेक्शन बना पाऊँ। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, अदरवाइज जो स्ट्राइक पे इसका चार्ट भी चेक करिए ना। अरे सर अमित जी, क्या स्ट्राइक प्राइस का चार्ट पे क्या मतलब है इसमें? उस पर प्राइस एक्शन काम नहीं करता है दोस्त। कैसे अब उसको चेक कैसे करोगे यार, मतलब उस पर दिक्कत है। अब मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी दे चुका हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो, बट मैं आपके दिल रखने के लिए कर ही देता हूँ। पता नहीं आप कहीं बुरा मान जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। रिमूव ड्रॉइंग्स, बताइए कौन सा स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देगा? फिलहाल निफ्टी कितनी भी चल रही है जी? फिलहाल निफ्टी चल रही है 23504, 24505 to 5, तो 24500 का कॉल देख लेते हैं। ठीक है, आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी। 24500 का कॉल या पुट देखें, पुट देख लेते हैं, लास्ट टाइम मार्केट कॉल हुई थी ना। देखिए, अब हमने यहाँ पे देख लिया, अब आप ये कह रहे हो ना कि इसमें यह स्ट्रेटजी काम करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ, नहीं करेगी। आपको करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आ गई ना, बहुत पीछे चले जाओगे इस स्ट्राइक प्राइस में, तो कोई मतलब नहीं है।
तो आप लोग भी एक बार, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो डे हाई पे, अगर आप डे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया 166 पे, और ये चला गया कहाँ तक, 219 पे, तो करता हुआ नजर तो आ रहा है यहाँ पे, मुझे भी दिख रहा है। यहाँ पे फिर से आपका ब्रेकआउट हुआ 155 से, और ये नीचे चला गया 114 पे, यहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि आप किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं कर सकते हो, तो बेहतर है कि स्पॉट पे ही काम करो और एटीएम के साथ काम करो, ठीक है ना? बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये काम कर सकती है, तो आप इस पे वर्क कर सकते हो, ठीक है? अमित जी, मैंने चेक कर लिया, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, 1 घंटे का हमारा वेबिनार हो चुका है। थैंक्स, ओके, थैंक यू। देखिए अमित जी, आप आपको लग रहा है कि काम कर सकते हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस पर पहले पेपर ट्रेड करना, पैसे मत लगाना। क्योंकि बहुत पीछे जाओगे ना, तो फिर वहां पे लिक्विडिटी इशू आ जाएगी। चलिए फिर, आज के वेबिनार को हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने काफी अच्छा समय दिया, और आज के वेबिनार को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, और उस ग्रुप में बने रहिएगा, वहां पे ही मैं सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वेबिनार को भी, वहीं पे जूम लिंक आपको मिलेगी। इस एनी स्क्रीनर स्क्रीनर आपको मिल जाएगी, 4599 जो मैं भी ऐड कर रहा था उसमें आपको है वहां पे स्क्रीनर। कुछ तो आप छोड़ोगे ना मेरे लिए, मैं तो देखो बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, एंड काफी कुछ वहां पे आपको सीखने को मिलने वाला है, पक्का। थैंक्स, हाँ जी, पक्का पक्का, थैंक्स थैंक्स, ओके, मिलते हैं फिर, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।